साल से लग की भर्ती, ठीक है ठीक है, MPHW भर्ती, बैठो बैठो। हाँ करेंगे करेंगे, ये क्यों लटकी है मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ क्यों लटकी है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखिए ये भर्ती भी क्यों लटकी हुई आपको पता है? नहीं नहीं कोई नहीं, अब आपको आप इसका मत करो, इनको लेने दो, इनको लेने दो, कागज लेने दो इनको। अरे ये नौकरी कागज है, कागज दे दो इनको, दे दो इनको कागज। तुम्हारा काम हो गया, तुमने एक बात अपनी पहुंचानी थी मेरे तक पहुंचा दी, अभी कागज इनको दे दो, तुम्हारी बात पहुंच गई, इस पर लिखा हुआ और तो कुछ नहीं है, ये कागज दे दो इनको। इसलिए ये भर्ती भी रुकी हुई है, आप सहमत हो गए इस बात से कि इसके भी कोर्ट में मामले फंसे हुए, कोर्ट के ऑर्डर होली है, ठीक है कोर्ट के ऑर्डर होली तो जाते ही देखेंगे कि अब कोर्ट के जितने भी ऑर्डर, कम से कम 30-35 कोर्ट के ऑर्डर रुके हुए थे, सारे हमने करवाए हैं, अगर इसके भी हो गए हैं तो निश्चित रूप से, हाँ ज्वाइनिंग अगर नहीं हुई है, कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो ज्वाइनिंग 2 महीने बाद होगी। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर लिस्ट भी लगेगी, आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा, ज्वाइनिंग कोर्ट का आदेश, इसका चुनाव आयोग का आदेश है कि आप इन दिनों में, ये जो नहीं, मैं मान लिया भाई, मान लिया आपकी बात, मान लिया। मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते ना, चुनाव आयोग ये कहता है कि इस पीरियड में 2 महीने में ज्वाइनिंग नहीं होगी किसी की भी, ज्वाइनिंग जून में होगी। हाँ ठीक है, ज्वाइनिंग 2 महीने बीच में होगी, करा दें, ठीक है ठीक है, ज्वाइनिंग जो आप जून में करा देंगे, अगर छोटा घंटा तो हम तो रोकेंगे भाई, हम तो चाहते हैं नौजवान जो इतनी मेहनत करके एग्जाम पास करके बैठा है लाइन में, हम तो इसीलिए, जो मैंने पहले बात बताई कि रात को रिजल्ट निकलता तो सुबह 9 बजे बुला लेते हैं हम, इसलिए इंटरव्यू के लिए, उसमें अपॉइंटमेंट के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, अगर ज्वाइनिंग नहीं कराते हमें ही पता है, कुछ लोगों का माथा खराब होता है जिनकी ज्वाइनिंग नहीं होती, कोर्ट में जाकर खड़े हो जाते हैं, और कोर्ट में खड़े होकर के वो क्या कहते हैं कि स्टे लगा दो, कितने स्टे लगे हुए हैं, तो वो स्टे जब हटते हैं तो उसमें से भी रास्ता निकालते हैं, हम ऐसा नहीं करने निकालते हैं। मैं आप चाहूंगा कि हमने 2004 के, आपको पता है कि HCS की भर्ती 2004 की पेंडिंग पड़ी थी, अब आप आके ज्वाइन कराई, आपको पता है जो इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स वाले 2004 के लोग, वो जो चौटाला की सरकार में बाहर निकाल दिए थे वो हमने कराए, आपको पता है JPT के अध्यापक जिनके अंगूठों के निशान नहीं मिले थे, कितने 12-1400 थे, 12-14 हजार थे, वो 14 हजार वो हमने भर्ती कराई, आपको पता है गेस्ट टीचर्स